दोस्तों, मैं एक अपील श्री देवेंद्र फडणवीस को जी को और फिर एकनाथ शिंदे जी को अपील करना चाहता हूँ कलेक्टर लैंड के बारे में। श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने बीच में एक स्टेटमेंट दिया था कि हम लोग कलेक्टर लैंड को 5% में फ्री होल्ड करने देंगे कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ को, और उनको सेल्फ रिडेवलपमेंट करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा हमको मतलब ठीक नहीं लगा, और उन्होंने आगे स्टेटमेंट ये किया कि बिल्डर को प्रॉफिट नहीं होना चाहिए और सोसाइटी को बेनिफिट मिलना चाहिए, इसलिए ये हम कर रहे हैं। तो हमको इसमें थोड़ा सा ये डिफ़िकल्टी लगती है कि ये ऐसे करने से हमारे काफ़ी लोगों को इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, फ्री होल्ड सोसाइटीज़ नहीं होगी। एक तो 15% हमको परवड़ता नहीं करके हम लोग 5% मांग रहे हैं, और फिर बाद में 5% में अगर सेल्फ डेवलपमेंट करेंगे का कंडीशन डालेंगे तो वो भी एक मुश्किल की बात होगी। इसमें ये जो कहना है कि बिल्डर को प्रॉफिट जाएगा, ये थोड़ा सा हमको ठीक नहीं लगता है। मान लो एक प्रोजेक्ट में जो भी प्रोजेक्ट कॉस्टिंग रहता है 15% या 5% जो भी होता है, अल्टीमेटली बिल्डर अपने जेब से नहीं डालता है, वो प्रोजेक्ट कॉस्टिंग से ही निकालता है, और उसका प्रॉफिटेबिलिटी जो रहता है, मान लो वो 50 crores में उसका प्रॉफिटेबिलिटी 30% उसका फिक्स है, तो 17 crores होता है, तो वो 16 crores नहीं करेगा अगर उसको 15% से ज़्यादा होता है, वो 17 crores ही रखता है। और फिर अल्टीमेटली जो सोसाइटी को जो कॉर्पस वगैरह रहता है उसमें से वो डिडक्शन होता है। मान लो सोसाइटी का कॉर्पस 2 crore का होता है, तो उसमें 1 crore फिर वो बोलता है कि आप कॉर्पस 1 crore ले लो, तो अल्टीमेटली सोसाइटी इज़ द लूजर इन 15%। अगर 5% में करेंगे तो सोसाइटी कैन गेट मोर कॉर्पस और मोर एरिया, तो वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट वगैरह करते समय वो लोग वो हिसाब से करेंगे। बट दिक्कत यहाँ पे ये है कि सोसाइटी पहले फ्री होल्ड करेगी फिर बाद में डेवलपर के पास जाएगी, या फ्री होल्ड के जो नॉर्म्स है मतलब वो नज़दीक आएगा तो वो टाइम में वो ये सब फॉर्मेलिटीज़ करेगी और उससे वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करेगी। तो ये सब जो है 15% और 5% एक्चुअली बहुत प्रॉब्लमेटिक है। अभी काफ़ी कोई लैंड होल्डर्स ऐसे हैं कि पहले फ्री होल्ड करना चाहते हैं फिर बाद में डेवलपर के पास जाना चाहते हैं, वो बोलते हैं 4-5 साल के बाद में जाएंगे, 10 साल के बाद में जाएंगे, जब भी जाएंगे तभी हम वो बेनिफिट अभी ये 5% में करके रखेंगे। दूसरा क्या है कि अगर सेल्फ रिडेवलपमेंट करना है तो कलेक्टर लैंड में अब तक एक भी सेल्फ रिडेवलपमेंट हुआ नहीं है। उसके कुछ वजह है, एक तो ऐसा है कि IRDCC तक का पूरा फंडिंग सोसाइटी को करना पड़ता है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उनको फंडिंग नहीं होती है, और कलेक्टर लैंड में मतलब होते होंगे बट मैंने तो देखा नहीं, ज़्यादा करके सोसाइटीज़ को ही वो करना पड़ता है या फिर डेवलपर के पास जाना पड़ता है। अभी ये कलेक्टर लैंड में पहले फ्री होल्ड का प्रीमियम वो भरना पड़ता है, फिर बाद में IRDCC का पेमेंट करना पड़ता है, ये पूरा का पूरा फंडिंग सोसाइटी को करना पड़ता है, और इसमें काफ़ी सोसाइटी का फंडिंग का प्रॉब्लम आ जाता है। अभी कोई कहता है कि ये फंडिंग भी हम अरेंज करेंगे वगैरह वगैरह, तो मेरे को नहीं मालूम कौन इसको फंडिंग करता है, बट इसमें ये बहुत बड़ी दिक्कत है और मैंने देखा है सोसाइटीज़ को सफ़र होते हुए इस वजह से। दूसरा क्या है कि सोसाइटी में रिटायर्ड लोग रहते हैं, उनको सेल्फ डेवलपमेंट वगैरह करने के लिए कैपेबिलिटी, स्किल, डोमेन नॉलेज ये नहीं रहती है, फिर वो लोग अपने जो PMC है उनके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। मैंने देखा है कि काफ़ी कुछ अच्छे PMCs है वो काम करते हुए और सेल्फ रिडेवलपमेंट करते हुए भी देखा है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सोसाइटी में काफ़ी अच्छे आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स रहते हैं, उनके पास कैपेबिलिटी रहती है और वो कर भी सकते हैं, बट उसमें फिर और एक प्रॉब्लम आता है जो मैं अभी बात करने वाला हूँ कि सोसाइटी में एक तो प्रॉब्लम क्या रहता है कि अंदर के अंदर बहुत यूनिटी नहीं रहती है, सोसाइटी में यूनिटी और ट्रस्ट का अभाव रहता है, और पर्टिकुलरली जब सेल्फ डेवलपमेंट रीडेवलपमेंट की जब बात होती है तो जो लोग सोए हुए रहते हैं वो सडनली जाग जाते हैं, और जो एग्जिस्टिंग जो काम करने वाले हैं उनको बाजू में रखते हैं, दूसरा जो मेन जो जिनको नॉलेज है उनको भी बाजू में रखते हैं। एक्चुअली इन हाउस स्किल का तो बेसिक बेनिफिट लेना चाहिए बट वो नहीं होता है, हालांकि देर आर मेनी पीपल हु आर रियली कैपेबल ऑफ डूइंग दिस सेल्फ डेवलपमेंट वर्क, बट अंदर के जो झगड़े होते हैं, हेवे दवे होते हैं,
इसके वजह से, या फिर लैक ऑफ ट्रस्ट होता है, या फिर कुछ अल्टीरियर मोटिव्स रहते हैं बहुत बार, तो ये सब वजह से सेल्फ डेवलपमेंट में बहुत दिक्कत आती है। और एक चीज़ जो मैं अभी जो पहले से मैं बात कर रहा था उसमें ये है कि सोसाइटी को इसमें करप्शन के लिए डील करना पड़ता है, या फिर मेंबरशिप ट्रांसफ़र हो, या फिर फ्री होल्ड के जो जब करना है तभी वो प्रॉब्लम आता है, फिर IODCC में आता है, तो ये सोसाइटी को डील करना मुश्किल होता है, उसको अकाउंट करने का प्रॉब्लम रहता है। फिर बाद में ये जो ट्रस्ट की जो मैंने बात की थी कि कितना पैसा गया, दिया नहीं दिया, इसमें सोसाइटी में डिस्प्यूट्स होते हैं, और ये सब जो साथ में आते हैं, इसके वजह से कलेक्टर लैंड में आप, मेरा ये आपको विनंती है कि आप ऐसा कोई कंडीशन मत डालो। काफ़ी कुछ ऐसे भी जगह है जहाँ पे एक प्लॉट होल्डर है, अभी प्लॉट होल्डर का जो है वो तो डिक्लेयर कर देगा सेल्फ डेवलपमेंट, वो कर भी सकता है इंडिविजुअल प्लॉट होल्डर सोसाइटी का प्लॉट होके, बट ये सोसाइटी जब बिल्डिंग होती है, एक बिल्डिंग पे होती है, फ्लैट होल्डर्स रहते हैं, तो यहाँ पे बहुत दिक्कतें आती हैं। और ये जो माड़ा है, माड़ा के लैंड्स में ये पॉसिबल है क्योंकि वहाँ पे FSI वगैरह बहुत है, बट कलेक्टर लैंड में FSI बहुत कम है, तो 33(7B) में आता है, तो 1.35 के FSI के बाद में सब FSI या TDR परचेज करना पड़ता है, वेरेज माड़ा में 1.3 1+3 बेसिक FSI प्लस 0.35 फंजिबल प्लस 3 FSI फ्री है, उनको TDR नहीं होता है, तो काफ़ी कोई माड़ा के प्रोजेक्ट्स में ही फ्री होल्ड अपना सेल्फ रिडेवलपमेंट हुआ है, और वहाँ पे ऐसा होता है कि 300 स्क्वायर फीट का 900 स्क्वायर फीट भी कर सकते हैं, और बहुत कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में भी वो परचेस कर सकते हैं क्योंकि FSI का पूरा का पूरा फ्री है। आज 20 लाख रुपया ले लो और 500 स्क्वायर फुट ले लो, तो 500 स्क्वायर फुट आज 300 स्क्वायर फुट का 900 स्क्वायर फुट हो सकता है, बट वो कलेक्टर लैंड में नहीं है, बेयरली 35% या कुछ ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकता है, जब डेवलपर आता है तो 25% मिलता है, क्योंकि जो प्रीमियम्स पे करने होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, तो ये सब प्रॉब्लम्स है सेल्फ डेवलप। और बहुत जगह में फिजिबिलिटी भी बनती नहीं, 9 मीटर का रोड है और एक ही सिंगल प्लॉट है, ओपन स्पेस डेफिशिएंसी है, तो ये सब प्रॉब्लम्स होते हैं। मेरा रिक्वेस्ट है आपको कि आप पॉलिसी बनाएंगे, हमको खुश करना चाहते हैं, और 12 लाख फैमिलीज का सवाल है, 22,000 बिल्डिंग्स का सवाल है, बिल्डिंग्स के अभी कंडीशन ख़राब है, और जल्दी से जल्दी एक पॉलिसी निकाले जिसमें कोई अटकलें ना हो, या अटकलें की वजह से काफ़ी हम प्रॉब्लम्स में आ सकते हैं। मेरा रिक्वेस्ट है, मेरी विनंती है कि आप फ्री होल्ड का जो नॉर्म्स है 5% का, उसमें कोई कंडीशंस मत डालिए, 5% जो है कोई सेल्फ रिडेवलपमेंट ऐसा कोई कंडीशन डालेंगे तो वापस वो 15% भी नहीं मिलेगा, और फिर ये भी नहीं मिलेगा, और काफ़ी कम कन्वर्जेंस हो जाएंगे, और एक बार पॉलिसी बनने के बाद में हमको वापस वो चेंज करने के लिए काफ़ी टाइम लगता है, ये बताने को ये इसमें ये प्रॉब्लम है, RTI करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है ये पॉलिसी में ये प्रॉब्लम है। तो आप पॉलिसी करते समय मेरा रिक्वेस्ट है, ये फ्री होल्ड का जो नॉर्म्स है उसमें सेल्फ डेवलपमेंट का प्लीज़ कंडीशन मत डालिए। धन्यवाद। जय हिंद।